डिज्नीलैंड के द मोस्ट शॉकिंग फैक्ट्स। दोस्तों, डिज्नीलैंड की तारीफ तो आपने कई बार सुनी होगी, पर आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिज्नी की एक मूवी की वजह से 50 से ज्यादा बच्चे सैल्मोनेला के शिकार हो गए। 2010 में डिज्नी ने एक मूवी रिलीज की थी जिसका नाम था द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग। इस मूवी में दिखाया गया था कि एक प्रिंसेस एक फ्रॉग को किस करती है जो कि असल में प्रिंस था, लेकिन श्राप की वजह से फ्रॉग बन गया था। इस मूवी ने बच्चों के दिमाग पे इतना गहरा असर किया कि बच्चे सच में मेंढकों को किस करने लगे और इसी वजह से 50 के आसपास के बच्चे सैल्मोनेला के शिकार हो गए थे। डिज्नी की मूवी अप बहुत ही एडवेंचरस मूवी थी। कार्ल फ्रेडरिक्सन नाम का एक इंसान जो कि बहुत ही बूढ़ा हो गया, उसे अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहिए था, जिसके लिए वो अपने पूरे घर को कई सारे बलून्स के सहारे हवा में उड़ाता है। वैसे इस मूवी में एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग फैक्ट है जिसपे आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। इस मूवी में कार्ल फ्रेडरिक्सन के घर को हवा में उड़ाने के लिए 9.4 मिलियन बलून्स को डिजाइन किया गया था। क्यों, है ना शॉकिंग फैक्ट? क्या आपने ये चीज नोटिस की थी? नहीं ना। खैर, वैसे आपने कभी ना कभी ये सपना तो देखा ही होगा कि काश एक बार डिज्नीलैंड जा सके। देखा है कि नहीं देखा है? पर क्या आपको पता है कि वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड में काम करने वालों के लिए एक अजीब पॉलिसी बनाई है जिसके मुताबिक अगर आपके चेहरे पे बाल हैं तो आप डिज्नीलैंड में नहीं जा सकते। हालांकि फिर साल 2000 में इस रूल को थोड़ा मॉडिफाई किया गया जिसके बाद मूंछों वाले इंसान डिज्नीलैंड में जा सकते हैं, लेकिन दाढ़ी वाले लोगों के लिए अभी भी एंट्री बैंड थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डिज्नीलैंड कितना बड़ा होगा, हमारे मुंबई जितना या फिर उससे भी बड़ा? वेल, आप यकीन नहीं करेंगे बट डिज्नीलैंड 25,000 एकड़ में फैला हुआ है। अगर इसे दुनिया के शहरों के साथ कंपेयर करें तो ये कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर जितना बड़ा है और न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन प्रांत से 2 गुना बड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिज्नीलैंड में होटल्स भी इतने बड़े हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप हर कमरे में सिर्फ एक रात गुजारें, जब तक आप हर रूम को यूज करेंगे तब तक आप 68 साल के हो जाएंगे। दोस्तों, 1967 में जब डिज्नीलैंड में कैरेबियन राइड की शुरुआत की गई तो लोग इस राइड का मजा लेने के लिए काफी एक्साइटेड थे, पर काफी टाइम के बाद पता चला कि कैरेबियन राइड के दौरान देखे जाने वाले स्केलेटन कोई प्लास्टिक की गुड़िया नहीं बल्कि असली स्केलेटन थे। दरअसल वॉल्ट डिज्नी को नकली स्केलेटन कुछ खास जचे नहीं, इसीलिए उन्होंने खुद रियल स्केलेटन मंगवाए थे ताकि राइड लेते वक्त लोगों को असली कैरेबियन राइड का एहसास हो। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।